डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक लंगर टोली चौराहा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी की आज होने वाली अहम बैठक में भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, ठीक उन तमाम बैठकों की तरह जिसमें तेजस्वी यादव पहले भी नहीं पहुंचे थे। चाहे वो आरजेडी का सदस्यता अभियान हो, चाहे आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह हो, या फिर पार्टी का कोई और अहम मंच हो, पार्टी की कोई और अहम बैठक हो, तेजस्वी यादव हमेशा नदारद रहे हैं। और जब आज भी तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं आरजेडी की होने वाली अहम बैठक में, तो पार्टी के बड़े नेताओं के अंदर नाराज़गी देखी जा रही है। हालांकि ये नाराज़गी खुलकर सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव के रवैये से आरजेडी के बड़े नेताओं में नाराज़गी है। आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव के रवैये से क्षुब्ध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान सामने आ रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा है। रघुवंश प्रसाद सिंह राबड़ी आवास जा रहे थे, तब बाहर मीडिया कर्मियों ने उनको रोक लिया और उनसे ये सवाल पूछा कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों गायब हैं। ये सवाल बेहद कॉमन सवाल है, बेहद वाजिब सवाल है। और जो भी नेता जा रहे हैं राबड़ी आवास में बैठक में शामिल होने के लिए, उनसे ये सवाल पूछा जाता रहा है और जा रहा है, और दूसरे तमाम मौकों पर आरजेडी के नेताओं से ये सवाल पूछा जाता रहा है, और ये सवाल आरजेडी के नेताओं को असहज भी कर देता है। तो ठीक उसी तरह रघुवंश प्रसाद सिंह से भी ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों गायब हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो कहा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को लेकर नाराज हैं, और यह नाराजगी किस हद तक है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव पार्टी के सीएम पद का चेहरा हैं, और जब सीएम का शपथ ग्रहण होगा तब वे नजर आएंगे, तब पूछिएगा कि तेजस्वी यादव कहाँ है। जाहिर है ये अपने आप में तंज है, और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि जब तेजस्वी यादव अभी गायब हैं लेकिन शपथ ग्रहण की बारी आएगी तो नजर आएंगे, यानी कि तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण के वक्त ही राजनीति में एक्टिव होंगे, अपना अज्ञातवास तोड़ेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने तंज कसा है। इसके पहले जब रघुवंश प्रसाद सिंह से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और संभवतः तेजस्वी यादव वर्ल्ड कप का मैच देखने गए होंगे। हालांकि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। तो लगातार बयान सामने आ रहे हैं और ये नाराज़गी अब धीरे धीरे खुलती जा रही है, और कलह जो है वो बाहर से दिखाई देने लगी है, कलह सतह पर आ गई है। तेजस्वी यादव लगातार गायब चल रहे हैं, पार्टी की अहम बैठक में भी आज हिस्सा नहीं लिया, और रघुवंश प्रसाद सिंह ने तंज कस दिया है। पार्टी के दूसरे नेता भी सवाल का जवाब देने में असहज नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं। तो जाहिर है तेजस्वी यादव ने न सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा ली है अपने राजनीतिक अज्ञातवास से, बल्कि पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है, पार्टी की असहजता भी बढ़ा दी है। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ, और सवाल यह है कि तेजस्वी यादव अपना अज्ञातवास कब खत्म करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने राजनीति से खुद को इतना दूर कर लिया है। जो तेजस्वी यादव 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिल्कुल एक्टिव नजर आते थे, आरजेडी के मंचों से, महागठबंधन के मंचों से दहाड़ते नजर आते थे, वो तेजस्वी यादव बिहार के पॉलिटिकल सीन से पूरी तरह गायब है। जाहिर है इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, और इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।